नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर शिवान में आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने पटेल चौक स्थित लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें अपना श्रद्धा सुमन अर्पित किया। आरजेडी के नेता मुजफ्फर इमाम के साथ कई लोग मौजूद रहे। तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख भी सकते हैं कि मुजफ्फर इमाम पहुँचे हुए थे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर और उन्होंने जयंती के मौके पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन करने का काम किया। और उसके बाद से राजद के नगर अध्यक्ष रमेश यादव ये भी पहुँचे हुए थे, सुशील कुमार और इनके साथ बहुत सारे आरजेडी के नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद थे, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो जयंती थी इस जयंती को बड़ी हर्षोल्लास के साथ इन लोगों ने मनाने का काम किया और उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उसके बाद से इनको नमन भी करने का काम किया। तो बिल्कुल आप इन तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं सिवान में कैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई गई, तमाम लोगों ने माल्यार्पण किया और श्रद्धा सुमन अर्पित किया। आइए सीधे ले चलते हैं और सुनते हैं कि नेताओं ने क्या कुछ कहा। एटीएन लाइव के लिए चंदन कुमार सिवान। अमर रहे, अमर रहे लौह पुरुष, अमर रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल, अमर रहे लौह पुरुष, अमर रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल, अमर रहे भारत माता की जय, भारत माता की जय। बी ए बी कॉम बी एस सी एम ए एम कॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स डीएवी पीजी कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। आरएस जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ आरएस जेम्स एंड ज्वेलर्स, सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। सबसे पहले मैं देशवासियों को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पे नमन करता हूं और सारे देशवासियों को यह याद दिलाना चाहता हूं कि ये लौह पुरुष जिस तरह अपने देश को एकीकरण किए, ऊंच नीच जाति पाति की भेदभाव को मिटा के कई विरासतों को भारत में एकजुट किए, ये उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री रहते हुए भारत को एकजुट किए, उसी तरह आज मजहबी विष को त्याग कर हम भाईचारे के धागे में बने और इन्हीं के पद चिन्हों पर चल के ऊंच नीच का भेद को त्यागें। भारत के एक महान सपुत्र जो हमेशा इनको दुनिया याद करेगी, मुझे बड़ा लज्जा आता है कि इनको भी आज राजनीतिक दलों ने बांटना शुरू कर दिया है। ये कांग्रेस के लीडर थे और कांग्रेस के वजह से ही इन्होंने गृह मंत्री बने, उप मुख प्रधानमंत्री बने, लेकिन आजकल के पॉलिटिशियन इनको थोड़ा सा बांटने का प्रयत्न कर रहे हैं। इनकी मंशा थी कि हम सभी को एकजुट करें और एक साथ देश के विकास में सहभागी बने, लेकिन आज इन्हीं को जिस तरह धर्म को बांटा जा रहा है, उसी तरह इनको भी बांटने का प्रयत्न किया जा रहा है, जो अशोभनीय है। उप प्रधानमंत्री का जयंती है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जयंती है, देश के महान स्वतंत्रता सेनानी रहे और देश में आज जो भारत देश का जो निर्माण हुआ है उसमें एक अहम भूमिका रही है। उस वक्त जो छोटी छोटी रियासतें थी, छोटे छोटे राज घराने थे, वो देश में अलग राज्य बनाने की कोशिश करते थे, अलग देश की स्थापना करने की कोशिश करते थे, लेकिन ये गृह मंत्री रहते हुए उस वक्त उन रियासतों पर जो भारत के संविधान के अंडर में आने का काम किया, अगर सुलझ करके आने का काम किया नहीं तो इन्होंने उलझ करके भी अपने सैनिकों से, अपने सत्ता से, प्रशासन से मिल करके उनको बिहार भारत में मिलाने का काम किया। और आज भारत में जो इनके विचार हैं, अगर उनके ठोस विचारों पर जो इनका निर्णय लेने का फैसला लेने का तरीका था, उस पर हमारा देश अगर चलेगा तो आगे कामयाबी की तरफ बढ़ेगा। मैं देशवासियों से, देश के गृह मंत्री से, देश के जो भी सत्ता के लोग हैं उनसे आग्रह करता हूं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को आप याद करें, उनके विचारों पर चलने की कोशिश करें, देश को जोड़ने का काम करें, धर्मनिरपेक्ष बनाने का काम करें, कानूनी व्यवस्था को मजबूत करने का काम करें, तभी जा करके एक अच्छे भारत का निर्माण होगा और तभी जा करके एक अच्छा भारत बनेगा।
का और नवनिर्मित भारत के साथ हम इनको आज अपने अपने दिल से नमन करते हैं और सभी नौजवानों से आग्रह करते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवनी को पढ़ें, जानें और आग्रह करेंगे इनके पद चिन्हों पर चलने की आप विचार करें। जय हिंद, जय भारत। पेट, छाती, मधुमेह एवं हृदय रोग का कराना हो बेहतर इलाज तो आज ही चले डॉक्टर बी कुमार फिजिशियन, शादी हॉस्पिटल बढ़हरिया स्टैंड से 100 मीटर उत्तर चकिया रोड यदुवंशी नगर सिवान। शांति हॉस्पिटल में ICU, ECG, मॉनिटर, नेबुलाइजर, इन्फ्यूजन पंप, ऑक्सीजन की व्यवस्था। डॉक्टर बी कुमार 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध। चकिया रोड सिवान, कॉल करें 8757309680916267361818। बिहार का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट RCH ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बढ़हरिया रोड त्रिभेरिया सिवान। हमारे यहाँ BBA, BCA, ANM, GNM कोर्स कराया जाता है। फैसिलिटी टू अवेलेबल, स्टूडेंट लोन एप्लीसिएटेड टू आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी, फुल्ली वाईफाई कैंपस, प्रोफिशिएंट फैकल्टी, वन ऑफ द बेस्ट कैंपस इन बिहार। गारंटेड प्लेसमेंट, कॉन्टेक्ट करें 06154245710790305562। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। अगर आप चर्म रोग, गुप्त रोग या यौन रोग से परेशान हैं और बार बार डॉक्टर बदलने के बाद भी इस बीमारी से छुटकारा नहीं हो पा रहा है तो समुचित व अस्थायी इलाज के लिए डॉक्टर सृष्टि सिन्हा से मिलिए, जो सिवान जिले की एकमात्र प्रसिद्ध महिला चर्म रोग, गुप्त रोग एवं यौन रोग चिकित्सक है। यहाँ आँखों के नीचे कालापन एवं सूजन, कुष्ठ रोग, बाल गिरना, सफेद दाग, पिंपल्स, दाग धब्बे, लेजर सेवा, अनचाहे बाल एवं तिल निकालने, गालों के गड्ढे भरना, छाल रोग एवं अन्य चर्म रोग, गुप्त रोग व यौन रोग का इलाज किया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर AK सिन्हा के समीप, फतेहपुर दुर्गा मंदिर, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर है 9973163151।